खनिज के बाद हमारा दूसरा विषय जो है ये है शैल या चट्टान, रॉक्स। चट्टाने क्या है बच्चों? हम देखते हैं कि हम धरातल की जो सतह देखते हैं, पृथ्वी का जो धरातल है, यह चट्टानों से बना है। और ये जो चट्टाने हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी खनिज से बनी है और खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये जो चट्टाने हैं, चट्टाने जब टूटती है तो उससे मिट्टी बन रही है, और ये मिट्टी हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है, क्योंकि इसी मिट्टी के सहारे हमारा भरण पोषण, पूरा जीव जगत जो है यह मिट्टी पर आधारित है। और इसलिए आज हमें चट्टानों के बारे में अध्ययन आवश्यक हो गया है। चट्टाने धरातल पर कई प्रकार की होती है। आपने ऐसी चट्टानों के नाम सुने होंगे जिसमें आग्नेय चट्टान है, परतदार चट्टाने हैं, या फिर रूपांतरित चट्टाने हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की चट्टाने, कई नाम सुने होंगे, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, बलुआ पत्थर है, नीस है। तो ये विभिन्न जो नाम हैं ये चट्टानों के नामकरण किए गए हैं। ये नामकरण कैसे किए गए? चट्टानों की जो रासायनिक संरचना है, उसका जो संगठन है, उसके जो बनने की प्रक्रिया है, इस आधार पर हम अलग अलग चट्टानों को अलग अलग नामों से जानते हैं। बच्चों, ये जो चट्टाने हैं ये तीन प्रकार की होती है। जैसा अभी मैंने बताया, आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित, या इसको कायांतरित कहते हैं। आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक, बच्चों आपको पता है धरातल पर बनने वाली सबसे पहली चट्टान जो है वो इग्नियस या आग्नेय चट्टान है। ये आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त लावा से बनी हुई है, और फिर इस चट्टान के बनने के बाद जब इसमें अपक्षय और अपरदन की जो क्रियाएं हुई है, उन क्रियाओं के कारण कई मलबा इन चट्टानों से टूट टूट कर मलबा प्रवाहित हुआ, और इनके प्रवाह के बाद जो दूसरी चट्टान बनी है वह परतदार और रूपांतरित चट्टाने हैं। तो रूपांतरित और परतदार ये दोनों ही चट्टाने आग्नेय चट्टानों के मूल रूप से फिर इनका अलग अलग स्वरूपों में निर्माण हुआ है। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले देखेंगे आग्नेय या इग्नियस रॉक क्या होती है। तो आग्नेय चट्टान प्रारंभिक चट्टान होती है, और इस आग्नेय चट्टान सभी पूरे विश्व में कहीं न कहीं देखने को मिलती है। भारत में भी आग्नेय चट्टान के बहुत से क्षेत्र हैं, जिसमें अरावली पर्वत, सह्याद्री पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उसके अलावा कड़प्पा क्रम की जो चट्टाने हैं, गोंडवाना लैंड है, या धारवाड़ चट्टाने जो है, ये सभी आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत ये भी आग्नेय चट्टान से, बेसाल्ट से बना है, और यहाँ पर बेसाल्ट निर्मित मिट्टी आज भी देखने को मिलती है। तो ये जो आग्नेय चट्टान है इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चट्टाने जो होती है यह स्थूल रूप में होती है, मतलब ये जो चट्टाने हैं ये परतहीन होती, इसमें कोई परतें नहीं होती, ये छिद्र नहीं होता, या इसको हम कहते हैं रंध्रहीन कहते हैं, या फिर ये चट्टाने जो होती बहुत डेंस, बहुत घनी होती है।
इनका जो संगठन होता है बहुत घना होता है। तो यह आग्नेय चट्टान की प्रारंभिक विशेषता है। इसके अलावा आग्नेय चट्टान जो है यह एक जैसी नहीं होती, अव्यवस्थित। इसके जो रवे होते हैं, जो इसके कण होते हैं, ये अव्यवस्थित होते हैं और अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकार के जो रवे होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। ये सब का संगठन जब होता है तो एक चट्टान का निर्माण होता है। तीसरी जो है, आग्नेय चट्टान बहुत कठोर होती है और कठोर होने के कारण इसमें जो इरोजन होता है, अपरदन होता है, यह बहुत धीमी गति से होता है। चौथी जो विशेषता है आग्नेय चट्टान की, कि आग्नेय चट्टान का जो आकार होता है यह बड़ा होता है, वर्तुलाकार पाया जाता है और यह चट्टानें बहुत टिकाऊ होती है, लंबे समय तक बनी रहती है। आग्नेय चट्टान टूटती तो है लेकिन अपक्षय की क्रिया से यह टूटती है। इसमें भौतिक अपक्षय बहुत कम होता है लेकिन रासायनिक अपक्षय में यह चट्टान अधिक टूटती फूटती है। इसका कारण क्या है कि जो आग्नेय चट्टान होती है इसमें पानी छन करके भीतर चला जाता है, यह भी इसकी विशेषता हुई। इसके अंदर पानी भीतर चला जाता है और इसी प्रकार से पानी का जमाव इसके अंदर होता है या कभी कभी पेट्रोलियम पदार्थ जो तेल होते हैं इसका जमाव भी चट्टान के अंदर होता है। तो ये जो चट्टान होती है इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें जीव जंतु के अवशेष नहीं होते या वनस्पति के अवशेष नहीं होते, क्योंकि यह मैग्मा या लावा से निर्मित चट्टान होती है। तो ये प्रमुख विशेषताओं के साथ हम इन चट्टानों का अध्ययन करेंगे। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक चट्टान। ये जो दो प्रकार है उद्गार के अनुसार हम आग्नेय चट्टानों का निर्धारण कर रहे हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टानें लावा के उद्गार से बनी हैं। तो उद्गार के आधार पर चट्टानें आंतरिक चट्टान, आंतरिक का मतलब है पृथ्वी की सतह के नीचे इन चट्टानों का विकास हुआ है, तो इसे हम आंतरिक चट्टान कहते हैं। ये मैग्मा से निर्मित होती है। ये जो आंतरिक चट्टान है इसके भी दो रूप है, एक है पातालीय चट्टान। पातालीय चट्टान के अंतर्गत जो चट्टानें आती है इसमें ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो और पेरिडोराइट ये प्रमुख चट्टानें हैं। और इसमें हम देखते हैं मुख्य जो आकृति बनती है इसमें बैथोलिथ और बॉस, ये दो प्रमुख आकृतियों का निर्माण ये पातालीय चट्टानों का होता है। दूसरा जो है अपातालीय चट्टानें, कुछ ही गहराई पर यह पाई जाती है। इसमें गानोफियर प्रकार के या पोरफिराइट्स प्रकार के या गैलोराइट प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है और इनसे जो निर्मित स्थलाकृतियाँ होती है इनमें स्टॉक, नेक, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक ये प्रमुख स्थलाकृति होती है। तो ये तो आंतरिक चट्टानें हुई। दूसरी जो आग्नेय चट्टानें हैं इसे हम बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये लावा से निर्मित होती है और बाह्य चट्टानों के अंतर्गत गायरोलाइट, बेसाल्ट और एंडेसाइट ये प्रमुख चट्टानें हैं। तो ये तो चट्टानों के प्रकार हुए। इन चट्टानों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो चट्टानों की रासायनिक बनावट कैसी है आग्नेय चट्टानों की, इस आधार पर भी हमने चट्टानों का अध्ययन जो किया गया है ये आपको मैं बताना चाह रही हूँ। इसमें सबसे पहला है
अम्लीय आग्नेय चट्टान या एसिड इग्नियस रॉक हम इसे कहते हैं। ये एसिड इग्नियस रॉक जो होती है इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 80 प्रतिशत तक सिलिका पाया जाता है और जो बचे हुए 20 प्रतिशत होते हैं इसमें अन्य खनिज जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम ये प्रमुख खनिज है। इसमें पैठिक ऑक्साइड जो होता है ये लगभग 20 से 35 प्रतिशत तक होता है और इसमें जो मैग्मा का उद्गार होता है उससे बहुत ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। ये जो चट्टाने हैं जो एसिड आग्नेय चट्टान जो है इसमें क्वार्ट्ज, फेल्सफार, मैग्नीशियम जैसे कठोर चट्टाने होती है और उसके कारण इनका अनावृत्तीकरण बहुत देर से होता है। इस प्रकार की चट्टाने जो होती है जिसमें ग्रेनाइट या ओबेसिडियम प्रकार की जो चट्टाने होती है ये भारत में मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, कच्छ, काठियावाड़ के क्षेत्र में और नर्मदा घाटी के क्षेत्र में ये जो एसिड इग्नियस रॉक है इसका जमाव देखने को मिला है। रासायनिक बनावट के आधार पे जो चट्टान का दूसरा वर्गीकरण मध्यवर्ती आग्नेय या इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक है इसमें सिलिका जो है ये 52 से 65 प्रतिशत तक पाया जाता है जबकि जो शेष हिस्सा है इसमें अन्य खनिजों की मात्रा अधिक होती है। तीसरा प्रकार जो है इसको हम पैठिक आग्नेय चट्टान या बेसिक इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। ये जो पैठिक क्षेत्र इसमें सिलिका 40 से 42 प्रतिशत और कहीं कहीं पर 50-52 प्रतिशत तक भी पाया जाता है और इसमें जो मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम या पोटेशियम इस प्रकार की जो मात्रा होती है यह भी देखने को मिलती है। जो बेसिक ऑक्साइड की मात्रा है यह मात्रा लगभग 45 से 60 प्रतिशत तक इसमें पाई जाती है। भारत में राजमहल की पहाड़ियाँ और प्रायद्वीपीय पठार इसमें इसी प्रकार के बेसाल्ट जो आग्नेय चट्टान है इसका जमाव देखने को मिला है। चौथी जो प्रकार है इसको लघु पैठिक आग्नेय चट्टान या इसको अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। ये जो अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक है इसमें सिलिका बहुत कम होता है लगभग 40 प्रतिशत या उससे भी कम पाया जाता है और इसमें जो बेसिक ऑक्साइड है ये 60 प्रतिशत से भी अधिक होते हैं। इस प्रकार की चट्टाने चूंकि सिलिका की मात्रा कम है और उसके कारण इसका विखंडन इसमें टूट फूट बहुत तेज़ी से हो जाती है। पाइरोटाइड चट्टाने जो है इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। इस प्रकार की जो चट्टाने हैं महाराष्ट्र के उत्तर और मध्य में ये चट्टाने देखने को मिलती है। तो ये जो आग्नेय चट्टान है इसकी ये प्रमुख विशेषता है और इसी आधार पर हम कुछ आग्नेय चट्टानों के नाम मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी। तो इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायराइट और पेरिडोटाइट ये प्रमुख आग्नेय चट्टाने हैं। दूसरे प्रकार की जो चट्टान है इसे हम कहते हैं परतदार चट्टाने। परतदार चट्टाने क्या है? धरातल के ऊपर में जो अपरदन की प्रक्रिया होती है, अपरदन अर्थात नदी, हिमनद, वायु
समुद्री लहरें, ये सभी मिलकर के धरातल की चट्टानों में निरंतर तोड़फोड़ कर रही है। इन टूटे फूटे पदार्थों को ये परिवहित करके समुद्र में ले जा करके या कहाँ जहाँ भी निक्षेपण करती है। ये निक्षेपित पदार्थ जब परत दर परत जमा होने लगते हैं तो इनके जमाव से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अपक्षय के माध्यम से भी जो मिट्टियाँ बनती हैं, इन मिट्टियों का जब जमाव होता है, ये कई परतों में जमाव होता है, इसलिए हम इसे परतदार चट्टानें कहते हैं। सामान्य रूप से ये सभी जो पदार्थ हैं, ये धरातल की सतह से जाकर के समुद्र में जमा होते हैं और समुद्र में कई परत दर परत पदार्थ जमने लगते हैं। ये पदार्थ जिस क्षेत्र से होकर के आते हैं वहाँ पर उन क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों के पदार्थों की परतें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये इन्हीं परतों से जब इनके जमाव बहुत अधिक होते हैं और उसके फलस्वरूप जब समुद्र में संपीड़नात्मक गतिविधियां संपन्न होती है तो यही परतदार चट्टानें पर्वतों के रूप में उभर आती है। जो नवीन परतदार जो क्षेत्र है, जो नवीन पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो नए पर्वत बने हुए नए पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें आल्प्स और हिमालय जो आते हैं, इनका जो जमाव है यह भूसन्नतियों के निर्माण से, उन भूसन्नतियों में जमा जो अवसाद है उन अवसादों की परतों से होता है और इसलिए इन्हें परतदार या अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स इसको कहते हैं। जितने भी ये पर्वत है ये इसी प्रकार के अवसादों से निर्मित हुए हैं। संपीड़न जब परतों में अधिक होने लगता है तो उससे बालू जहाँ पर जमा होती रेत, उससे बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। ये संपीड़नात्मक प्रक्रिया से होता है। इसी प्रकार से अत्यधिक संपीड़न से जो क्ले होती है इससे सिस्ट का जमाव होता है। तो ये जमाव जो है ये परतदार चट्टानों के उदाहरणों को बताता है। परतदार चट्टानें पृथ्वी में कब से बन रही है? जब आग्नेय चट्टान पहली चट्टान है, पहली बार बनी और उसमें जब अपरदन या अपक्षय की प्रक्रिया हुई और परिवहन और निक्षेपण के माध्यम से ये पदार्थ जब समुद्र में आकर जमा हुए, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व से परतदार चट्टानों का निर्माण हो रहा है और इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है, इसका क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ है, बहुलता हम कह सकते हैं धरातल पर परतदार चट्टानों की है। और यह भी एक अनुमान के अनुसार धरातल का लगभग 75% भाग परतदार चट्टानों से बना हुआ है। तो ये तो परतदार चट्टानें कैसी है, क्या है, इनकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। आइए हम इनकी विशेषताओं को देखें। सबसे पहले परतदार चट्टानें जो है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें जीव जंतु और वनस्पति दोनों के ही अवशेष परतों में पाए जाते हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता है, परतदार चट्टानों में परतें जो है वो तलछट में जमा होती है और इससे उस क्षेत्र में जो जल या स्थल में जो संप्राप्त सामग्री है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। तीसरी जो बात है कि जो परतदार चट्टाने हैं ये स्थलीय भागों में अधिक पाई जा रही है, जलीय भागों में इनकी मात्रा बहुत कम है, क्योंकि ये निर्मित होने के बाद ये संपीड़नात्मक रूप से ऊपर उठने के बाद ये धरातल पर ही
आ जाती है, तो जलों में स्थल में इसकी मात्रा अधिक है। इसके बाद जो इसकी संरचना है या इसकी जो बनावट है उस आधार पर इसका नामकरण किया गया है। जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो खनिज की उपलब्धता है उस उपलब्धता से उस परतदार चट्टानों का नामकरण किया गया है। जैसे कोयला, कोयले पीट कोयला या बिटुमिनस कोयला, ये क्या है, ये उसमें प्राप्त जो कार्बन की मात्रा है उसके आधार पर ऐसे नामकरण परतों का किया गया है। परतों की जो तहे होती है वो क्षैतिजिक रूप से एक के ऊपर एक बिछी होती है, और इसको इन परतों को जो पृथक अलग करने वाले जो क्ले या जो शैल के गुण होते हैं, ये गुण ही इस परतों को एक के बाद एक हमें स्पष्ट दिखाने का प्रयास करते हैं। इस परतों में सभी प्रकार के कण, चाहे वो छोटे छोटे बालू के कण हों, कुछ महीन कंकड़ पत्थर से लेकर के कुछ चट्टानी टुकड़े तक, इन परतों में देखने को मिलते हैं। तो ये तो परतदार चट्टानों की विशेषताएं हुई। ये परतदार चट्टानें कितने प्रकार की होती है, परतदार चट्टानों के बनने की क्रिया के आधार पर इसको तीन वर्गों में बांटा गया है। यांत्रिक क्रिया के आधार पर जो परतदार चट्टानें हैं, इसमें बलुआ पत्थर प्रमुख है, और इसके अंतर्गत क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। दूसरा जो प्रकार है, जो सूक्ष्म कण वाले परतें होती है, इसमें शेल से या क्ले प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तीसरी जो परतदार चट्टान है, इसे हम लोएस कहते हैं, लोएस से इसका निर्माण होता है। तो ये तीन प्रकार की जो चट्टाने है, ये चट्टाने यांत्रिक प्रकार से निर्मित चट्टाने हैं। दूसरा जो प्रकार है, ये है रासायनिक क्रियाजन्य चट्टाने। रासायनिक क्रियाजन्य के अंतर्गत सबसे पहले कार्बोनेट चट्टान है, और इसके अंतर्गत ट्रेवर्टाइन और डोलोमाइट प्रकार की चट्टाने पाई जाती है। दूसरा सल्फेट, सल्फेट से जिप्सम चट्टान का निर्माण हुआ है। तीसरा है क्लोराइड, क्लोराइड से नमक की चट्टाने बनती है, और चौथा है सिलिकेट, सिलिकेट से फ्लिंग चर्ट प्रकार की चट्टाने विकसित हुई है। तो ये रासायनिक क्रियाओं से निर्मित चट्टाने हैं। इसके बाद हम अगला जो देखेंगे, इसमें एक और चट्टान है जो लौह प्रस्तर से बनी है, और लौह प्रस्तर से जैसे कोयले के रूप में या लोहे के रूप में लिग्नाइट जो है, या हेमेटाइट है, सिडेराइट है, यह लौह प्रस्तर की चट्टाने हैं। यह रासायनिक क्रिया से बनी है। लौह प्रस्तर की दूसरी जो चट्टाने होती है, इसमें कुछ चट्टाने जैविक प्रक्रियाओं से भी बनती है। तो तीसरा जो रूप है, ये है जैविक प्रक्रियाओं से या जैविक जन्य चट्टाने हम इसको कहते हैं। जैसे सबसे पहले चूना युक्त चट्टाने, इसमें चाक या डोलोमाइट प्रकार की चट्टाने जो आती है, चूना पत्थर इसके अंतर्गत रखा गया है। दूसरा जो है कार्बन युक्त चट्टाने, जैसे कोयला का निर्माण हुआ है। और तीसरा है जो सिलिका युक्त चट्टाने, इसमें डायरस प्रकार की चट्टाने और रेडियोलेरिना प्रकार की चट्टाने पाई जाती है। चौथा लौह युक्त, जैसे मैंने अभी बताया कि कभी जैविक समावेश के कारण भी लौह युक्त चट्टानों का विकास होता है। तो ये तो चट्टानों का सामान्य रूप हुआ। ये जो चट्टाने हैं, ये आग्नेय प्रकार की चट्टाने हैं, और जैसा मैंने बताया कि पूरे धरातल पर यह बहुत अधिक फैली हुई है, विस्तृत है।
ये बहुलता से पाई जाती है। लगभग 75% भाग जो है ये इसी प्रकार के चट्टानों से है। तीसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं इसे हम कहते हैं रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें, परिवर्तित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक इसे हम कहते हैं। परिवर्तन कैसे होता है चट्टानों में? चट्टानों में परिवर्तन के दो ही कारण हैं, बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक दाब। इसका कोई अनियमित होती है ये ताप की और दाब की प्रक्रिया, और इतनी अधिक होती है कि उसके कारण जो चट्टानें हैं ये चट्टानें अपने मूल अस्तित्व को छोड़ करके अन्य स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है, तो इसे हम परिवर्तित चट्टानें कहते हैं। ये परिवर्तित चट्टानें जो है ये सामान्य रूप से पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं, आंतरिक कारण हैं, या फिर अन्य दूसरे कारण भी हो सकते हैं जो परिवर्तन के लिए सहायक होते हैं, और उससे चट्टानों में परिवर्तन होता है। जब चट्टानों में परिवर्तन होता है तो वो अपने मूल चट्टानों से पूरी तरीके से अलग हो जाती है। उसका जो संगठन होता है वह देखने में भिन्न होता है, दिखने में भी वह भिन्न होती है, संगठन भी भिन्न हो जाता है। जैसे जो चूना पत्थर है उससे बना है संगमरमर, तो संगमरमर बहुत कठोर है, जबकि चूना पत्थर जो होता है वह सॉफ्ट प्रकार का होता है। तो ये चट्टानों की, परिवर्तित चट्टानों की विशेषता है। हम इनकी विशेषताओं का आगे और अध्ययन करेंगे कि ये परिवर्तित चट्टानों की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि परिवर्तित चट्टानें जो है वो तो या तो आग्नेय चट्टान या परतदार चट्टानें जो होती है उससे इनका परिवर्तन होता है, इनका रूपांतरण होता है, और उसकी तुलना में ये चट्टानें अधिक कठोर और अधिक संगठित हो जाती है। इसकी जो दूसरी विशेषता है कि पर्वत निर्माणकारी हलचल के प्रभाव से भी जब ताप और दाब होता है तो उससे भी ये चट्टानों का निर्माण होता है, ये निर्माण की प्रक्रिया हुई। निर्माण की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि जब अत्यधिक ताप और दाब के कारण पर्वत निर्माण हो रहा है तो चट्टानों जो होती है वो राख के रूप में परिवर्तित हो जाती, कभी मुड़कर, कभी पिघलकर, कभी घिसकर, कभी दबकर, कभी उठकर ये बदल जाती है, और कभी कभी जो ज्वालामुखी की राख होती है उससे स्लेट प्रकार की परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। फिर जो पृथ्वी के अंदर में आग्नेय या परतदार चट्टानें जो पाई जाती है ये ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उसके ताप के कारण इन चट्टानों का परिवर्तन होता है, और अत्यधिक ताप के कारण ग्रेनाइट का नीस में परिवर्तन हो जाता है। फिर क्या होता है, आंतरिक जो शक्तियाँ होती है इन शक्तियों में बहुत ही आश्चर्यजनक, विस्मयकारी हम कह सकते हैं कि ऐसे दाब और ताप की प्रक्रिया होती है, और उसके कारण जो वहाँ के भू आकृतियाँ हैं ये बदल जाती बनती है या इसका स्वरूप बदल जाता है, और अत्यधिक दाब से यहाँ पर परिवर्तन होता है। इसके अलावा चूने के क्षेत्र में जो भूमिगत जल होता है इसमें कुछ गैस का विकास होता है, और उस गैस के प्रभाव से भी उस क्षेत्र की चट्टानों में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के क्षेत्र जो है वो डालमेशिया के तट में देखे गए हैं, जहाँ पर बलुआ से क्वार्ट्ज का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से ज्वालामुखी के उद्गार से भी निस चट्टानों का परिवर्तन हमने देखा है। तो ये जो चट्टानें हैं ये चट्टानें अपने पैतृक स्वरूप से बिल्कुल भिन्न हो जाती है, या इनके खनिज में
भिन्नताएं आ जाती है। जैसे बहुत सी चट्टानें जो होती है रूपांतरित हो जाती है, और रूपांतरण में कई प्रकार की चट्टानें जो होती है जैसे हीरा, सोना, वेनेडियम, चांदी, ये परतदार चट्टानें में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी आग्नेय चट्टानों के परिवर्तन से बेसाल्ट, आग्नेय में बेसाल्ट से गंधक का रूप ये चट्टानें ले लेती है। तो इस प्रकार से इन चट्टानों की विशेषता या इसके रूपांतरण के यदि हम कारणों का अध्ययन करें तो ये कारण काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं, रूपांतरित चट्टानों का यदि हम वर्गीकरण करते हैं, तो इसके वर्गीकरण में हम दो आधार रख सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आग्नेय चट्टानें जो होती है जब ये परिवर्तित होती है तो कैसे, कौन सी चट्टानें बनती है। तो जब ग्रेनाइट होती है, ग्रेनाइट से नीस का निर्माण होता है। उसी प्रकार से आगाइट चट्टानें जो होती है इससे हार्न ब्लेनी प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, और गैब्रो और बेसाल्ट जो है उससे हार्न ब्लेंड शिस्ट प्रकार की चट्टानें बनती है। तो ये चट्टानों के आग्नेय से रूपांतरण हुआ। जबकि हम परतदार चट्टानों से जब रूपांतरण देखें तो परतदार चट्टानों में जो क्ले है, शेल है या गादा होता है, उससे जो चट्टानें बनती वह स्लेट बनती है, और स्लेट का जब रूपांतरण होता है तो वह फाइलाइट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब फाइलाइट का भी रूपांतरण होता है तो यह शिष्ट के रूप में बदल जाती है। उसी प्रकार से जो बलुआ पत्थर है, ये इस बलुआ पत्थर में जब संपीड़न अधिक होता है तो संपीड़न के कारण ये क्वार्ट्स के रूप में परिणित हो जाता है। चूना पत्थर का परिवर्तन संगमरमर के रूप में होता है। कोयले का जो परिवर्तन है ये ग्रेफाइट के रूप में होता है। तो बच्चों, ये तो आग्नेय और परतदार चट्टानों में जो परिवर्तित रूप है, ये इसके प्रकारों में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। या हम जो चट्टानों का दूसरा वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं, ये वर्गीकरण जो मूल चट्टानों से परिवर्तित होता है। सामान्य रूप से जब भौतिक क्रिया से जो परिवर्तन होता है और इसे हम मूल क्रियाओं से परिवर्तन कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो है आग्नेय परिवर्तित चट्टान, या हम इसको कहेंगे आर्थो मेटामॉर्फिक रॉक। आर्थो मेटामॉर्फिक रॉक या आग्नेय परिवर्तन जो है ये मुख्य रूप से भौतिक रूप से होता है, और उसमें नीस का ग्रेनाइट के रूप में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा जो परिवर्तित स्वरूप है इसे हम कहते हैं अवसादी परिवर्तन या रूपांतरण, इसे हम कहेंगे पैरा सेडिमेंट्री मॉर्फोमेट्रिक स्वरूप जो होता है। इसके अंतर्गत चूने से संगमरमर का निर्माण होता है, या बलुआ पत्थर से क्वार्ट्ज बनता है, या फिर शेल से स्लेट बनता है। तो ये जो तीन प्रकार हुए, परिअवसादी या पैरा सेडिमेंट्री मॉर्फोमेट्रिज्म, इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि दोहरा परिवर्तन होता है, दोहरी परिवर्तित चट्टाने बाय मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है, इसके अंतर्गत कायांतरित चट्टान एक बार से पुनः परिवर्तित होकर के पुनः उसका स्वरूप बदल जाता है, एक से दूसरा परिवर्तन और दूसरे से तीसरा परिवर्तन जब होता है, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है इसे बाई मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जो रूपांतरण होता है
इसके आधार पर भी रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें सबसे पहला है जलीय रूपांतरण या जलीय कायांतरण। हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक जल के दाब से जब चट्टानों में परिवर्तन होता है तो उसे हम जलीय रूपांतरण कहते हैं। दूसरा जो है स्थिर कायांतरण, स्टैटिक मेटामॉर्फिक कहते हैं। जब चट्टानों का धरातल के ऊपर में दबाव कम होता है, लेकिन जैसे जैसे धरातल की हम गहराई में जाते हैं दबाव बढ़ने लगता है, तो बढ़ते दबाव के कारण जो चट्टानों में परिवर्तन आता है उसे हम स्थिर या स्टैटिक मेटामॉर्फिक कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है यह कहलाता है संस्पर्शीय कायांतरण, या इसे हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिनिज्म कहते हैं। ये जो संस्पर्शीय कायांतरण है, जब लावा का उद्गार होता है तो लावा के उद्गार से जो आसपास की चट्टानों में लावा का स्पर्श होता है और उससे जो चट्टानें बनती है, ये इसी प्रकार की चट्टानें होती जो संस्पर्शीय रूपांतरित कहलाती है। जैसे दक्कन के पठार का जब निर्माण हुआ था तो उस समय बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ है। अगला है प्रादेशिक रूपांतरण या रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक जिसको हम कहते हैं। इसमें जो मेटामॉर्फिक की जो क्षेत्रीय विशेषता होती है, क्षेत्र विशेष में अलग अलग क्रियाओं से अलग अलग प्रकार के रूपांतरण देखने को मिलते हैं। फिर अगला है तापीय रूपांतरण, थर्मल मेटामॉर्फिक हम इसको कहते हैं, तापीय रूप से रूपांतरित होती है। या अगला जो होता है दबाव के कारण, प्रेशर मेटामॉर्फिक, दबाव रूपांतरित चट्टाने। तो ये जो चट्टाने हैं ये रूपांतरण के आधार पर हम इस प्रकार का चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। मुख्य रूप से जो रूपांतरित जो चट्टाने हैं इसमें नीस, फाइलाइट, शिष्ट या क्वार्ट्जाइट और मार्बल या संगमरमर, ये प्रमुख रूपांतरित चट्टाने धरातल पर देखने को मिलती है। तो बच्चों ये तो चट्टानों का अध्ययन हुआ। ये चट्टाने हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं यह भी हमें देखना होगा। चट्टानों का महत्व कैसे बढ़ गया, पहले ही मैंने बताया कि चट्टानों से मिट्टी बनी और मिट्टी हमारे जीवन का आधार है, और इसलिए चट्टाने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जो मानव की जो प्राथमिक आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, इस प्राथमिक आवश्यकता में चट्टानों का महत्वपूर्ण योगदान है। चट्टानों से बनी जो मिट्टी है इसी से हम कृषि कार्य संपन्न करते हैं और इसी कार्य से हमें जो है वह भोजन प्राप्त होता है, कपड़े प्राप्त होते हैं, वनस्पतियां इसी पर उगती है, और जो मकान बनाने के लिए जो प्रारंभिक सामग्री है जैसे पत्थर है या विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं या फिर विभिन्न प्रकार की लकड़ियां हैं, ये सभी कहाँ से मिल रहे हैं, इन्हीं चट्टानों से या इस चट्टान की मिट्टियों से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है जो चट्टानों के माध्यम से पूरी होती है। दूसरी जो आवश्यकता है यह है औद्योगिक आवश्यकता। बच्चों मैंने पहले ही बताया कि आज का युग जो है उसे लौह युग कहते हैं, खनिज युग कहते हैं। तो ये लौह युग या खनिज युग यानी ये जो लोहा है, ये जो
विभिन्न प्रकार के खनिज है वो इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों का खनन करके हम विभिन्न प्रकार के खनिजों को निकाल रहे हैं और फिर उससे विविध वस्तुएं बना रहे जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक या उपयोगी साबित हो रही है। आज हमारी जो औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, औद्योगिक विकास की बात करते हैं, तो ये सभी इन चट्टानों पर आधारित है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है ये है, वैज्ञानिक जो जानकारी होती है, वैज्ञानिक जगत में विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम उपलब्ध कर रहे हैं। हम इन चट्टानों के अध्ययन से ही हमने जो प्राचीन काल तक का अध्ययन किया है, हम पृथ्वी के अध्ययन में आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक पहुंच चुके हैं। तो वहां तक पहुंचने के अध्ययन का आधार क्या है? ये आधार चट्टाने हैं। ये चट्टाने क्या है? कहते हैं कि ये चट्टाने एक पुस्तक है और इस पुस्तक के जो विभिन्न पन्ने होते हैं, यानी चट्टानों में पाए जाने वाले जो विभिन्न जीवाश्म हैं, यह जीवाश्म हमको उस युग तक पहुंचा रहे हैं। तो हम पृथ्वी के इतिहास को कैसे जान रहे हैं? चट्टानों के माध्यम से। तो चट्टानों के माध्यम से हम जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग या कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, ये इन्हीं चट्टानों के माध्यम से संपन्न हो रहा है। ये चट्टानें किस प्रकार की कहाँ पर फैली हुई है और उसी आधार पर उसका पहले सर्वेक्षण किया जाता है और तब उन चट्टान वाले क्षेत्रों की खुदाई करके विभिन्न प्रकार के खनिजों को प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारी जो वैज्ञानिक जगत में जो जानकारी प्राप्त करने का तरीका है, यह भी चट्टान ही है। भौगोलिक रूप से भी चट्टानों का बहुत महत्व है। भूगोल में धरातल जिसका निर्माण चट्टानों से हुआ है और इन चट्टानों में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज, यही भूगोल के अध्ययन का आधार है। नए पर्वत, पुराने पर्वत, या छोटा नागपुर का पठार बहुत पुराना है, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली की श्रेणियां प्राचीन है जबकि हिमालय नया है, ये कैसे पता चल रहा है? ये उसकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हम इसका अनुमान लगाते हैं, जो चट्टान इसके साक्ष्य है। कहाँ पर पहले जलवायु कैसी थी, वर्तमान में कैसी है, जलवायु में परिवर्तन जो हो रहा है उसकी सूचना यही चट्टाने दे रही हैं। कहाँ पर पहले सागर था उस क्षेत्र में चूना पत्थर मिल रहा है, जहाँ पर पहले उष्णकटिबंध था वहाँ पर आज कोयला या पेट्रोलियम जैसे पदार्थ मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भौगोलिक सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं का मुख्य माध्यम चट्टाने है। तो इस प्रकार से ये चट्टाने हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आती है।